एंड अल्फे तू कितना पे कर? आई लिव फॉर फ्री. क्या बात है. सो हेलो एवरीवन, जस्ट गॉट डन विद ऑफिस वर्क एंड आज यकीन नहीं होता, स्प्रिंग सीजन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. दे हैव रिमूव्ड ऑल द क्रिसमस लाइट्स. पहले 5 बजे तक अंधेरा हो जाता था, नाउ इट्स सो ब्राइट एट 5 PM. कभी कभी ऐसा लगता है कि टिल यस्टरडे वाज विंटर्स, नाउ इट्स ऑलमोस्ट समर्स. सो हेलो एवरीवन, टुडे आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम गोइंग फॉर अनदर हैकाथॉन आउट ऑफ टाउन. आज मैं जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया एथेंस. वो है अराउंड 1.5 hours अवे. आई विल बी अगैन अ रिक्रूटर देयर. आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड. बिफोर दैट, टुडे आई वॉन्ट टू शेयर द एक्सपेंसिज ऑफ लिविंग इन अ लग्जरी अपार्टमेंट. लाइक कभी सोचा नहीं था, इट इज़ सच अ पेन टू लिव इन एन अपार्टमेंट. इट सीम्स लाइक यू नो कि हाँ भाई, फर्स्ट टाइम यूजिंग double sided fridge, that was a dream. Like, you know, these small things were very very exciting in the beginning, but ab lagta hai ki yaar itne zyada difficulties aa rahi hain, wo sari aaj aapko share karunga. And before that I want to share, I got another backpack and today I have another backpack which I want to unbox and set it up for my office. Now let me show you a backpack of a software engineer 2022. Pocket number 1, my laptop. So 16-inch laptop fit perfectly with the dongle. Number 2, tripod which is fixed and sturdy. Number 3, in this place I have my SSD, my holder for phone if I want to vlog with my phone, laptop charger, and yahan pe in this pocket, so this is pocket number 4, my headphones, my noise cancellation WH-1000XM3, and most importantly, the biggest pocket in this backpack is right here. And yahan pe my camera and vlogging setup. So check out brevity.co/sing for 10% off discount. This makes the whole journey for the hackathon much easy. Bye. So, अब स्टार्ट करते हैं नंबर वन चैलेंज विच इज नाउ. अब स्टार्ट करते हैं द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ लिविंग हियर, दैट इज पार्किंग. अगर आप ये स्ट्रीट देखोगे, यहाँ पे जितनी भी स्ट्रीट पार्किंग है, दैट इज $2 an hour. तो मुझे याद है जब मेरे एक रूममेट ने, आपको बताऊंगा नाम, ही बॉट अ न्यू कार, तो इतनी बड़ी चैलेंज हुई कि यार पार्किंग अंदर कर नहीं सकते क्योंकि पार्किंग जो परमिट है दैट इज़ $50. तो फॉर एग्जांपल मैं हर महीने $50 पे करता हूँ फॉर द पार्किंग, ठीक है. अब कोई नया रूममेट आया, उसने कार लीज़ की, 10 दिन के लिए सिर्फ पार्किंग चाहिए उसे, ठीक है. अब 10 दिन के लिए पूरे अपार्टमेंट में गेस्ट पार्किंग नहीं है. दो ऑप्शंस है. नंबर 1, वहाँ पे एक पार्किंग लॉट है जहाँ पे $20 per day की पार्किंग है, मतलब 10 दिन पार्क की तो $200. कार रेंट अगर $30 की आती है, $20 की पार्किंग है, आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है. और कोई पार्किंग लॉट आसपास यहाँ पे डाउनटाउन में, मिडटाउन में फ्री पार्किंग ऑफर ही नहीं करता. $30-$50 हर जगह लगता ही लगता है. तो इस कारण क्या किया गया, ही एडेड टू द लीज. उसने सोचा चलो लीज में ऐड कर देते, $50 per month दे दूंगा. पर इस पे भी चैलेंज, इसमें लीजिंग वाले कहते हैं कि अगर आज $50 per month पे अगर आपने पार्किंग खरीद ली, आपको जब तक लीज खत्म नहीं होती, यू हैव टू कीप द पार्किंग. तो फॉर एग्जाम्पल ये अभी स्लॉट खाली है, ये टेम्परेरली खाली है, अभी भरने वाला है. सो मेरा मतलब है यहाँ पे स्लॉट मिलती नहीं, आपको दूर पार्क करनी पड़ती है. और यहाँ पे अगर $50 का खरीद लिया, तो अगर मेरा रूममेट एक महीने बाद मूव आउट करना चाहता है, तो भी उसे 10 महीने तक पार्किंग के पैसे पर मंथ $50 देने पड़ेंगे, विच इज़ अ बिगेस्ट कॉन. गेस्ट पार्किंग है नहीं, कभी भी अंकल आए, फ्रेंड्स आए, $20 चल जाते हैं एक ही बार के. एंड ये रहा अपना पार्किंग लॉट. अब यहाँ पे एक और दिक्कत, मान लिया कि आपने पार्किंग की जितनी भी फी है वो पे की हुई है. अब प्रॉब्लम यह है कि आपको एक स्लॉट दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल इट कुड बी दैट 3036 व्हाटएवर इट इज, तो यहीं पे आप पार्क कर सकते हो. और हमारा जो चैलेंज है, हम अलग बिल्डिंग में रहते हैं जहाँ पार्किंग नहीं है, हम इस बिल्डिंग में रहते हैं, पार्किंग यहाँ पे है. तो रोज़ सुबह नीचे आए, फिर ऊपर गए बिल्डिंग में पार्किंग के लिए, कार उठाई, फिर नीचे आए, फिर वापस गए. अब और इस चीज़ में अगर आप कुछ भूल जाते हो, फिर वापस पार्क की, फिर नीचे आए, फिर घर जाके जो सामान भूल गए हो वो वापस लाए, फिर ऊपर गए, चक्कर आने लग जाता है कभी कुछ भूल जाओ. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. कुछ भूल नहीं सकते, 10 मिनट हमेशा लेके चलना पड़ता है एक्स्ट्रा कि लेट ना हो जाए. एंड नाउ मान लिया कि हमारे पास इतना अच्छा लॉन्च है, बहुत ही अच्छा जिम है, बट एक और डिसएडवांटेज अपार्टमेंट में रहने की मुझे लगती है फायर अलार्म्स. कभी भी
किसी भी टाइम फायर अलार्म बज जाते हैं और वेकेट करना पड़ता है। तो मैंने अपना पासपोर्ट, लैपटॉप हर जगह एक बैग में रखा हुआ है, कभी कुछ हो जाए भाग के नीचे चले जाता हूँ ताकि वो ना घूमे। और जब हम घर में रहते थे ये इशू नहीं था। वैसे दीज आर ऑल सिमिलर टू न्यूयॉर्क सिटी प्रॉब्लम्स, किसी भी अपार्टमेंट जाओ, किसी भी सिटी में जाओ, ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। एंड इस फुल फ्लेज्ड जिम में मैं कॉफ़ी तो बिल्कुल पीता नहीं हूँ, पर सुबह 8 बजे कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है, सिर्फ चाय की ऑप्शन बचती है। तो अगर आपको कॉफ़ी पीनी है तो सुबह 8 बजे से पहले उठ के नीचे कॉफ़ी लेके आना पड़ता है, तभी आपको कॉफ़ी मिल सकती है। मैं तो कॉफ़ी पीता नहीं, फॉर गेस्ट ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैंने सुना कि बाकी अपार्टमेंट्स में 24 आवर्स भी ये प्रिविलेजेस होते हैं, पर हमारे में नहीं है एटलीस्ट। Now last thing that is left is expensive. हम 3 roommates में rent कैसे divide करते हैं, I'll be talking about that upstairs with my roommates. क्योंकि जब मैं living room में रहता था हमेशा मैं $300 rent pay करता था, $50 to $60 less than my roommates, क्योंकि बस room था। तो वैसे ही जिस room में ज़्यादा perks हैं उसे ज़्यादा rent pay करना पड़ता है। Let's talk about it there. एंड इस लॉक से मुझे याद आया कि दिस लॉक इज ऑल्सो प्रॉब्लम। किसी दिन बैटरी किसी लॉक की खत्म हो गई, यू विल बी स्टक। अगर आप इमेजिन करो संडे को जब इनकी सर्विस लिमिटेड होती है, आपने कॉल किया 2-3 घंटे बाद आते हैं आपकी हेल्प करने, आपकी फ्लाइट मिस हो सकती है। सो इट इज बिट ऑफ अ चैलेंज टू हैव दिस, पर हमारे साथ ऐसी प्रॉब्लम अब तक नहीं हुई है। और अगर आपकी चाबी, जैसे मेरे वॉलेट में मैं सब कुछ रखता हूँ, मेरा वॉलेट कभी गुम जाता है, चाबी, हर चीज़ का एक्सपेंसिस $250 तक है। सो इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, यू हैव टू कीप इट सेफ। सो आई वॉज मेकिंग सम चार्ट फॉर आवर एक्सपेंसिस एंड थैंक्स टू फार्मर्स मार्केट, हमारे घर में अभी सब कुछ ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक बटर, ऑर्गेनिक पैस्टराइज ब्रेड, दैट्स एग्स, ब्रेड मेरे ख्याल से पीछे है, जगह ही नहीं थी दिखाने की। एंड ऑर्गेनिक एप्पल्स जो अभी मैं खा रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ ऑर्गेनिक, एंड ऑर्गेनिक ऑरेंजेस, लाइक सो सो एक्साइटिंग। एंड अब फाइनली बारी बिजली के बिल की। हमारा कुछ महीनों से शॉकिंगली क्रेजी बिजली का बिल आ रहा है, तो चार्ट दिखाना आजकल कितना आ रहा है हमारा। तो हमारा जो बिजली का बिल है इट्स क्रेजी, इट्स एक्चुअली $80 to $100। मेरा लाइफ में कभी इतना कम बिजली का बिल US में नहीं आया। दिस इज शॉकिंग एंड थैंक्स टू अपूर, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। मतलब क्या हुआ, जब मैं आया था, एक मिनट AC के पास जाके दिखाते हैं थोड़ा बहुत। सो ये है हमारा AC जो हम Alexa से अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। इट्स करंटली 72, बट अपूर क्या करता है, ही चेंजेस इट टू 69 या 68 ऑल द टाइम। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरी ठंड और गर्मी की टॉलरेंस पूरी बदल गई है। तुम्हें इतनी गर्मी कैसे लगती है, थोड़ा बताना। गर्मी नहीं लगती भाई, ठंड पसंद है। वाह। तो इस कारण मतलब हर बार 69-68 होता है गर्मियों में और कूलिंग पे, और जब हम हीट ऑन भी करते हैं ना, सो फॉर एग्जांपल अभी हमने हीट ऑन कर दी, हीट पे भी हम 68, तो क्या हम 67 रखते हैं, ही ऑलवेज कीप्स इट 67। सो उसके कारण हीटर तभी चलता है जब टेम्परेचर 67 से कम हो। तो इस कारण इतनी ज़्यादा ठंड होती ही नहीं अटलांटा में, एंड हमारा बिजली का बिल, हीटर बहुत कम चलता है तो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। गर्मियों में ज़्यादा आता है, गर्मियों में कितना आता है? गर्मियों में तो ऐसे चलता ही रहता है, तो गर्मी में आता है 100 से ऊपर ना, क्योंकि ठंड पसंद है भाई को। गर्मियों में 150-200 तक चल जाता है, बट इतना भी नहीं जाता है, 150 तक। एंड जब मैं जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में पास रहता था तब मेरा बिजली का बिल हमेशा 100 to 200 के बीच में आता था, क्योंकि मुझे ठंड बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती। मैं अमृतसर से हूँ, फिर भी मतलब यार अमृतसर की ठंड टेरेबल है, आई नो दैट, पर मुझे अच्छा लगता है कि शॉर्ट्स एंड हाफ स्लीव में सारा दिन बैठो, तो इस कारण मैं गर्मी रखता था। तो इस कारण हमारा बिजली का बिल हमेशा पहले ज़्यादा आता था ठंड में, अब कम आता है। Now let's talk about expenses. किस कारण हमारा वॉलेट कभी कभी लगता है खाली हो रहा है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे अपार्टमेंट का रेंट है $2,500, क्योंकि मेरे पास प्राइवेट बेड, प्राइवेट बाथरूम है, आई पे 1,000। एंड तुम कितना पे करते हो? क्या बात है। सो अर्पित एंड अपूर पे टोटल 1,500, डिस्ट्रीब्यूशन दूर की बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स एक्चुअल में MBA स्टूडेंट्स $1,500 पर पर्सन पे करते हैं, पर 3 bedroom पे करने के कारण इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। बट हमारा जो एक्सपेंसिस डिस्ट्रीब्यूशन है, $2,500 रेंट हो गया मेरा, 1,000 उसमें $50 पार्किंग मेरा, $50 पार्किंग KT का, एंड वाईफाई बिल $60, AT&T जिसमें एक साल तक HBO Max फ्री मिलता है, एंड हमारा और बिजली का बिल 68। हाँ बस और कुछ नहीं है, राइट? या सो दैट्स हाउ कभी कभी फील होता है वॉलेट खाली हो रहा है, बट इट्स स्टिल नॉट दैट बैड, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पे करते हैं हमसे। पार्किंग सिचुएशन के कारण ज़्यादा चैलेंजेस, बिगेस्ट चैलेंज इज जस्ट पार्किंग, ओवरऑल इट्स प्रीटी गुड। पर पर्सन ना टोटल हाँ, तो देखते नहीं है क्या कितना डालते हैं। शॉकिंग है, इतना इतना शॉकिंग। पर
And this is from Rob. Thank you so much to him for his Christmas wishes. And मैंने एक और चीज नोटिस की है Georgia Tech and Georgia State के आसपास पहले पर पर्सन $800 पर मंथ में हो जाता रेंट. अब बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन हाउसिंग एंड काफी ज्यादा मार्केट ऊपर नीचे जा रही है बिकॉज ऑफ दैट 1000 से कम किसी को भी मिलना बहुत मुश्किल है. वी गॉट इट बिफोर जुलाई तो इसका अन बजट पे है. अभी ये पूरा अपार्टमेंट 3000 से कम नहीं मिल सकता विच इज करंटली $2500 फॉर अस बट फॉर अदर्स 3000 से कम नहीं. Now it's almost 2 a.m. after 4-5 hours of recruiting at University of Georgia. I'm exhausted, but I want to give you good news. क्योंकि कल मैं 7:30 p.m. IST आने वाला हूँ through a live free class. This will be an opportunity to learn about financial independence. अगर आप किसी भी college में student हो या फिर आप high school में हो, how to be financially independent? आपका एक विजन पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए. आई एम गोना बी शेयरिंग माय पर्सपेक्टिव एज अ 23-year-old एंड आपके लिए इफ यू आर इन योर 20s 18 19 हाउ यू शुड थिंक अबाउट मनी. सो इन डिटेल में वन आवर सेशन होगा स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप्स टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. डेफिनेटली चेक इट आउट एंड बिल्कुल फ्री है एंड द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आई विल सी यू देन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.